आज हम खोलने जा रहे हैं कार शोरूम जहां पे सारी गाड़ियां होंगी बिल्कुल फ्री। आपको अपनी वाइफ को लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना है और उसके लिए एक गाड़ी चाहिए, मिल जाएगा। आप अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर जाना चाहते हैं, आपको एक 4-सीटर गाड़ी की जरूरत है, मिल जाएगा। आप और आपके बेस्ट फ्रेंड को चाय पीने के लिए जाना है एंड उसके लिए एक गाड़ी चाहिए, वो भी मिल जाएगा। आप कॉलेज में हो एंड आपको लोगों के सामने शो ऑफ करने के लिए गाड़ी चाहिए, वो भी नहीं, वो नहीं मिलेगा भाई, पढ़ाई कर लो। और आज हमारे एक लकी कस्टमर को मिलेगी ये स्पेशल गाड़ी जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही है दुनिया में। हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस, आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार फॉर सेल सिमुलेटर। तो गाइस, फ्री की गाड़ियां बेचने के लिए सबसे पहले हमें अपना बनाना पड़ेगा शोरूम। एंड अभी जो शोरूम की हालत है, यहाँ तो भाई कोई गाड़ी छोड़ो टायर भी नहीं खरीदने आएगा, इतना गंदा लग रहा है। तो सबसे पहले हमें अपना शोरूम को अपग्रेड करना पड़ेगा भाई, एक्सपैंड करना पड़ेगा, तब जाके हम यहाँ पे गाड़ियां रखना चालू करेंगे। गाड़ियां मेरे पास आ चुकी हैं एंड कौन कौन सी गाड़ी है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। काफी लग्जरियस एंड काफी महंगी महंगी गाड़ियां हैं भाई, जिनको हम बेचेंगे सिर्फ $0 में। तो हम लोग चालू करते हैं अपने स्टार गैराज को अपग्रेड करने से, चलते हैं टैबलेट में एंड ऑफिस अपग्रेड में। सबसे बड़ा एरिया खरीद लेते हैं जो कि है $1 million का, लेट्स गो। तो ये पूरा एरिया तो आ चुका है, मेरे को भाई ये सारी चीजें हटानी पड़ेगी एंड यहाँ पे एक ऐसा शोरूम बनाना पड़ेगा भाई जो एकदम बढ़िया लगे, हमारे पास पार्किंग की भी जगह हो एंड बढ़िया सा एक ऑफिस स्पेस भी हो। और आते जाते जो भी गुजरे सबसे पहले उनको नजर पड़े हमारी शोरूम पे, तो चलो इसको फटाफट से बना लेते हैं। हमारा शोरूम रेडी हो चुका है गाइस एंड आई थिंक काफी बढ़िया लग रहा है। हमने नीचे कांच लगाए हैं विथ फ्रेम एंड ऊपर एकदम फ्रेमलेस वाले कांच लगा दिए हैं ताकि थोड़ा नीचे से ऊपर अलग लगे। और हमने सिर्फ 2 ही फ्लोर रखे हैं, उससे ज्यादा का काम भी नहीं है, उससे ज्यादा गाड़ियां भी नहीं आएंगी। प्लस हमने बाहर आउटसाइड पार्किंग रखी है ताकि अगर हमारे पास और गाड़ियां हो तो अपन बाहर पार्क कर पाए, अंदर ले जाने की जरूरत ना पड़े। और मैं यहाँ पे लगाना भूल गया, बट ये सब अभी अपन ठीक कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अंदर डेकोरेशन लगाने से। अंदर हम बढ़िया बढ़िया रोटेटिंग प्लेटफॉर्म लगा देते हैं, हमने एक लिफ्ट लगा ही दी है ऊपर ले जाने के लिए, प्लस सोफे वोफे एंड टेबल्स ये सारी चीजें लगा देते हैं एंड अपने शोरूम को कम्प्लीट कर लेते हैं। ओके, तो डेकोरेशंस और सोफे और टेबल लगाने से पहले मैं सोच रहा हूँ अपनी गाड़ियाँ लगा देता हूँ, क्योंकि गाड़ियाँ पहले लग जाएंगी तो ऐसे मेरे को आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पर डेकोरेशंस अच्छे फिट बैठ रहे हैं। तो हम ले चलते हैं आपको अपने गाड़ियों का टूर कराने के लिए एंड यहाँ पे देखो लाइन से हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, सब एक से बढ़ के एक है। जो हमारी सबसे महंगी गाड़ी है आई थिंक ये रही फेरारी XXX, आई डोंट नो XXX क्यों है इसका नाम, बट ये हमने ली थी $22 लाख की भाई, 2.2 मिलियन। तो ये अभी तक की सबसे महंगी गाड़ी है भाई। चालू हम इसी से करेंगे रिपेयर कराने से, क्योंकि सबसे महंगी है और सबसे बढ़िया भी है आई थिंक। एक्चुअली में रिपेयर तो मैंने करा लिया था, इसको मेरे को बस पेंट कराना है, क्योंकि ये कलर तो कुछ ज़्यादा ही बेकार लग रहा है। क्योंकि ये फरारी है तो भाई लाल तो रहेगा ही ना, बिना लाल के इसमें मज़ा कैसे आएगा। इसको अपन पूरी लाल कर देते हैं। इधर एक्चुअली में लाइटिंग अच्छी नहीं है तो इतना अच्छा पता नहीं चलता है, थोड़ा बाहर निकल के देखता हूँ इसको। ये लग रही है अब गाड़ी, इसको लेके चलते हैं हम एंड शोरूम में डाल देते हैं। ऐसी हमारे पास और 10-15 गाड़ियां हैं जो महंगी से महंगी हैं एंड एकदम फर्स्ट क्लास है। ये सारी गाड़ियां आज हम बेचने वाले हैं सिर्फ $0 में भाई। आज हम दान पुण्य का काम कर रहे हैं। इसको मैं खड़ा कर देता हूं यहाँ पे। ये हो गई गाइस हमारी गाड़ी खड़ी। ओए होए क्या बात है, अभी जब पीछे बैकग्राउंड में सारी गाड़ियां लग जाएंगी ना तो एक नंबर लगने वाला है ये। तो गाइस हम यूं गए और यूं आए। फाइनली हमारा शोरूम बन के रेडी हो चुका है, क्या आप देखने के लिए तैयार हो? 3, 2, 1। ये रहा गाइज हमारा स्टार गैराज स्पॉन्सर्ड बाय बाबूराव। क्या लग रहा है यार, आई थिंक बहुत अच्छा बन गया है भाई। मेरे ख्याल से करीब 2 घंटे लगाए हैं पूरा ये सब बनाने में, सारी गाड़ियां लगाने में, सारा डेकोरेशन लगाने में। डेकोरेशन इस गेम में थोड़े कम है तो उतने अच्छे नहीं लग रहे, बट
गाड़ियां अपन ने आई थिंक अच्छी लगाई हैं। गाइज आप लोग कमेंट करके बताओ कैसा लगा अपना शोरूम, अच्छा बुरा बेकार, क्या इंप्रूव कर सकते हैं वो भी मेरे को कमेंट में जरूर बताना। बट जो अपनी सबसे स्पेशल गाड़ियां हैं उनको अपन ने रखा है इस घूमते हुए चक्रे पे। तो ये हमारी फरारी है जिसको हमने यहाँ पे रखा है, बाकी हमारे पास और भी लग्जरियस कार हैं। ग्राउंड फ्लोर हमारा सारा एकदम आलिशान गाड़ियों वाला है, जो एकदम महंगी महंगी गाड़ियां हैं। एंड हमारे पास एक स्पेशल गाड़ी है, गोल्ड प्लेटेड लैम्बोर्गिनी। ये कौन लक्की कस्टमर ले जाएगा हमें नहीं पता, बट जिसको भी मिलेगी बड़ा खुश होगा बंदा। तो हम लोग ऊपर चलते हैं और गाड़ियां दिखा देता हूं मैं आपको। यहां पे भी 10-12 गाड़ियां लगा दी हैं मैंने। यहां पे काफ़ी खाली जगह है, बट कस्टमर्स को आने के लिए जगह भी तो चाहिए। तो ये रही हमारी, कौन सी गाड़ी है भाई, नाम भी भूल गया मैं, हाँ डॉज वाइपर। डॉज वाइपर हमारी यहाँ पे खड़ी है। सिर्फ मेरे पास GTR नहीं है, बट चलो कोई नहीं, हमारे पास मैक्सिमम सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं यहाँ पे। और गाइज मैंने अपना ऑफिस तो दिखाया ही नहीं, ये रहा हमारा ऑफिस। ये गेट खुल जाए तो पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा, बट इस कांच के अंदर हमारा ऑफिस है, ताकि हम आते जाते सारे लोग को देख पाए एंड मॉनिटर कर पाए भाई सबको। तो चलो एक फाइनल चीज कर लेते हैं हम लोग, वो है अपना शोरूम का नाम चेंज करना, ताकि लोगों को पता चले ना कि यहाँ पे भाई फ्री गाड़ियां मिलती हैं। तो साइन को एडिट करके हम लिख देते हैं फ्री कार्स, एंड इसका थोड़ा कलर वलर चेंज कर देते हैं भाई, फ्री कार्स। अब जितने भी लोग आजू बाजू से गुजरेंगे सबको पता चल जाएगा यहाँ पे फ्री कार्स मिलती हैं, बट उन्हें हमें लिस्ट भी करना पड़ेगा। तो हम लोग चालू करते हैं अपनी महंगी महंगी गाड़ी से, इसको लिस्ट करने के लिए डाल देते हैं हम रे। ये रही हमारी लेरारी एंड फ्री लैम्बो इसका टाइटल होगा, एंड प्राइस होगा 0, पुट इट ऑन सेल। ओ भाई, बाकी सारी गाड़ियों के साथ भी हम यही करते हैं। करीब 22 गाड़ियां हैं मेरे पास, तो सबको मेरे को सेल पे फटाफट से डालनी पड़ेगी। ओके आई थिंक सारी गाड़ियां हमने सेल पे डाल दी हैं, सब 0000, ऑल डन। एक चीज करनी है मेरे को भाई, मैंने अभी तक इन गाड़ियों से रेस नहीं की है, तो एक गाड़ी मेरे को ले जाने के रेस करनी है। एक बार भी मैंने ट्राई नहीं किया, तो मैं अपनी फरारी ही ले जाता हूँ या फिर ये ले जाऊँ। अपन फरारी ले चलते हैं क्योंकि वो सबसे महंगी है, तो आई थिंक सबसे तेज भी होनी चाहिए ये, इसको ले चलते हैं एंड बस एक रेस करके आते हैं। अरे भाई साहब एम्बेसडर वाली आंटी खड़ी है, कोई नहीं इन्हीं के साथ रेस करना पड़ेगा $200 के लिए। इनकी तो बैंड बज जाएगी भाई, ये तो 100 साल बाद पहुंचेंगे रेस लाइन पे। ओके रेस चालू हो गई, हमारी गाड़ी अलग ही रह गई, हम भी भाई किस गाड़ी के साथ रेस कर रहे हैं। कितना अजीब लग रहा है भाई ये। अरे यार आजा पीछे आजा, फटाफट आजा। क्या लगता है गाइस कितनी देर में रेस खत्म होगी? 3, 2, 1। ओ पेनल्टी भी लग गई मेरे ख्याल से अपने को, बहुत तेज मैं निकल गया था बाहर। 136। ओ अबे वो अब आया है, ओ पेनल्टी नहीं लगी। 163 स्पीड थी, 10 सेकंड में कर लिया, 5 सेकंड लेट आया भाई, वो भी तेज है, 5 सेकंड ही लगा उसको। आई मीन 5 सेकंड में तो सारा खेल बदल जाता है, बट यार क्या तेज गाड़ी है ये। ओ एक सेकेंड, इसमें तो वो होता है ना सैंड बॉक्स वाला, ताकि पता चल जाए टॉप स्पीड क्या है। वाह बम्पर डैमेज भी कर दिया अपन ने। अपन चलते हैं डेजर्ट। ओके लेट्स गो। $200, 300 पार चल जाएगी। ओ भाई उसमें से कुदाना था मेरे को, इतनी तेज स्पीड है भाई, 265। ओ 280, 290, 300 टच कर गई, 300 टच हो गया, 300, 306, 308, 13। वेल टॉप स्पीड तो ये थी भाई, 313 करीब थी। ओके वी आर बैक, मैं अपनी गाड़ी लगा देता हूँ भाई साहब, बढ़िया हो आप, बढ़िया होगे वरना। ओके गाइस गाड़ी लग चुकी है, फाइनली वक्त है हमारे ऑफिस को खोलने का, एंड
लोगों को इंजॉयमेंट देने का, लोगों में खुशियां बांटने का। आ जाओ भाई, सारी गाड़ियां यहाँ पे फ्री फ्री फ्री। ओके, कस्टमर्स आना चालू हो गए इस बार, देख रहे हो फ्री की गाड़ी मिल रही है तो सब फटाफट आ रहे हैं। हेलो मैडम, पहली कस्टमर हमारी है, आई है रेड सुपरा लेने के लिए। हेलो मैडम, क्या हाल चाल? $0 की गाड़ी है, आप खरीद लो। क्या आप ₹1 दोगे? नहीं चाहिए, ले जाओ सेल। जो ये गोल्डन गाड़ी लेने आएगा उसको फ्री की मिलेगी, प्लस $100 ऊपर से हम भी देंगे। भाई साहब ये देखो, लोग ही लोग आ रहे हैं। ओके मैडम, आई है पोर्स लेने के लिए। नहीं तो सर हैं, मैडम सॉरी आई मीन सर, लो लो $0, बिक गई। आई है ऑडी लेने के लिए, ऐसा सस्ता प्राइस कहीं नहीं मिलेगा आपको, सेल। अभी तक कोई भी गोल्डन लैम्बो लेने के लिए नहीं आया है। ओके, फरारी लेने आ चुके हैं भैया, $0 की हमारी। ऐसा ऐसी गाड़ी और ऐसा प्राइस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको। घर वालों के लिए चाहिए, बीवी बच्चों के लिए चाहिए, गिफ्ट चाहिए, ले जाओ ऐश करो। आपको चाहिए गाड़ी? हाँ ले लो। मैडम आप दूसरी गाड़ी देख लो जो पीछे खड़ी है, ठीक है, सेल। आई मीन सर, सब मैडम ही क्यों लग रहे हैं, बाल लंबे करके क्यों आए हो? ये लैम्बोर्गिनी, चार लाख की गाड़ी फ्री में बेच दी। ओहो मैडम है हमारी लक्की कस्टमर, जिनको मिलता है ये गोल्डन लैम्बो, सेल। ओके, अभी तक कोई भी ये रेड फरारी लेने को नहीं आया है। भैया धोते जाओ, हाँ अच्छे से धोते जाओ, फरारी लेने में भी टाइम है। ओ नहीं मैडम, लेने आ चुकी है $22,00,000 की फरारी, जा रही है बिकने फ्री में। ओ भाई साहब खतरनाक, अपन ने तो अंधी मचा दी यहाँ पे। ये देखो लाइन से कस्टमर्स खड़े हुए हैं भाई गाड़ियां लेने के लिए। फ्री का माल किसको नहीं पसंद है। ओ भाई, आठ लोग इधर। आई मीन अब पहले जो मिल गया मेरे को उसको मैं बेच दूंगा। ले लो, रास्ते का माल सस्ते में, सस्ते का माल, सेल। रात हो गई, फटाफट सारी गाड़ियां बेच के हमें निकलना है भाई, आज का टारगेट हमारा खत्म। ऐसे यूं अगर सोचो रियल लाइफ में भी शोरूम वाले ऐसे ही करने लग गए, $0 में एक दिन के लिए गाड़ियां, कंगाल हो जाएगी कंपनी उनकी। इससे लग्जरी गाड़ी कहीं नहीं मिलेगी आपको। क्लासिक गाड़ी चाहिए 1950 की, वो भी मिल जाएगी हमारे पास, फुल्ली अपग्रेडेड। थोड़ी बहुत नहीं है बट ठीक है। ये देखो मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज भी है हमारे पास, आराम से अपने ड्राइवर को बोले चलाने एंड पीछे बैठ के आप रिलैक्स करो। बहुत सारे उसमें इंटीरियर अच्छा है, पीछे टीवी भी लगा है, एंड सोल्ड। सिर्फ एक गाड़ी बची है हमारे शोरूम में, नहीं एक्चुअली में दो बची है, सर ये लेने आ रहे हैं, नहीं ये तो अपना ही एम्प्लॉय है, डॉज वाइपर। मैडम है हमारी लक्की कस्टमर जिनको मिल रहा है डॉज वाइपर, वो भी फ्री में। नीचे भी कुछ कस्टमर्स खड़े हैं, कौन सी गाड़ी के लिए? ओके आई थिंक सुपरा है, हाँ सुपरा के लिए खड़े हैं ये लोग, बाय सोल्ड। तो आज का ऑफिस टाइम खत्म होता है गाइस, खाली हमारे पास एक इधर गाड़ी बची है एंड एक ऊपर गाड़ी बची है। पूरे 22 गाड़ियों में से 20 गाड़ियां बिक गई विद इन 5 मिनट्स। क्या रिकॉर्ड है भाई, हमारा शोरूम हो चुका है खाली एंड यहाँ पे अब कोई भी गाड़ियां नहीं बची है भाई। बस दो गाड़ियां बची हैं, वो भी आज ना कल में बिकी जाएगी, जैसे ही कस्टमर आते हैं, आ ही गए वैसे, मैं बेच ही दूंगा। तो चलो हम इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर मजा आया हो तो प्लीज लाइक बटन दबा देना गाइस, हम लोग जाते हैं इस वीडियो पे 500 लाइक के लिए, कम ऑन, काफी मेहनत लगी है गाइस, प्लीज अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबा देना। 500 लाइक्स के लिए एम करते हैं हम लोग, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड आई विल सी यू वेरी सून।